मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह टॉपिक जो बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और साथ ही जो सोशल रिसर्च को समझना चाहते हैं, सामाजिक अनुसंधान को समझना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आज का हमारा विषय है प्रश्नावली। अब यदि हम सामान्य शब्दों में या व्यवहारिक रूप में ये देखें कि जो प्रश्नावली नाम है इससे क्या स्पष्ट होता है, या प्रश्नावली के लिए कहें प्रश्नावली अर्थात प्रश्नों की एक सूची जिसमें प्रश्न लिखे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली की परिभाषा क्या है, और प्रश्नावली क्यों जरूरी है किसी भी सामाजिक अनुसंधान में, या सामाजिक अनुसंधान में जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, जो डेटा संग्रहित किए जाते हैं, उनमें प्रश्नावली का कितना योगदान होता है, अथवा तथ्य संकलन में प्रश्नावली कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि प्रश्नावली क्या है। तो जो प्रश्नावली है वो प्रश्नों या कथनों का एक समूह है जिसमें व्यक्ति से पूछकर सूचना एकत्रित की जाती है, अर्थात जब अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को एकत्रित करने के लिए एक प्रश्नों की सूची बनाई जाती है, और वो सूची जो उत्तरदाता है उससे वो प्रश्न पूछे जाते हैं और तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, अर्थात जो प्रश्नावली है वो तथ्यों को एकत्रित करने की एक विधि है या एक ऐसा औजार है जिसमें लोगों को सूचना एकत्रित करने के लिए अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस विधि को डाक प्रश्नावली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रश्नावली के अंतर्गत जो प्रश्नों की सूची होती है उसे डाक द्वारा भेजा जाता है। सामान्य शब्दों में यदि हम समझने का प्रयास करें इसको, तो हम देखेंगे कि जो प्रश्नावली है वो प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जो कि हम डाक द्वारा भेजते हैं। और वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में, सोशल रिसर्च में, हम किसी भी नए तथ्य की खोज करने जाते हैं अथवा किन्हीं पुराने तथ्यों के सत्यापन के लिए जाते हैं कि या तो हमें कोई नई खोज करनी है अथवा जो खोज पहले से हो चुकी है उसका सत्यापन करना है, कि उसके बारे में पता लगाना है कि ये सही है अथवा गलत है। उसकी खोज के लिए जब उस प्रश्नों की सूची को डाक द्वारा भेजा जाता है, और वो किन्हें भेजा जाता है? जो हमारे निदर्शन द्वारा चुने गए उत्तरदाता होते हैं, अर्थात जिन उत्तरदाताओं की हमने सैम्पलिंग की है और उनको ये प्रश्नों की सूची भेजी जाती है, और उसके पश्चात उनके जो उत्तर आते हैं उसके आधार पर तथ्यों को एकत्रित करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो सामान्य शब्दों में प्रश्नों की एक सूची जो कि डाक द्वारा भेजी जाती है वो प्रश्नावली कहलाती है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो प्रश्नावली की खोज है या इसका जो प्रयोग है, इस विधि की खोज को 1998 में लंदन में सांख्यिकी सोसाइटी, स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने किया था, इसकी खोज या इसका यूज। और जो प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है इसका निर्माण सब्जेक्टिव रूप में होता है, जबकि इसका जो यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव रूप में होता है। मतलब इसके निर्माण में सब्जेक्टिविटी होती है और इसके यूज में पारदर्शिता अथवा वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? यदि हम ये सोचें कि प्रश्नावली विधि का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता द्वारा कब किया जाता है, इसका प्रयोग जब हमें फैक्चुअल सूचना एकत्रित करनी हो, अर्थात तथ्यात्मक आंकड़ों से संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता होती है, तब प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है।
और जो प्रश्नावली का निर्माण है इसमें व्यक्ति के वांछित गुणों का मापन भी हो जाता है या हो सकता है। जो प्रश्नावली विधि है इसका प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूप में किया जाता है। और यदि किसी प्रश्नावली का प्रयोग किसी समूह के लिए किया जाता है तब समय धन एवं श्रम की बचत होती है। अब हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि यदि एक बड़े समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं और हमें तथ्यों को एकत्रित करना है जिसमें समय श्रम और धन तीनों ही कम लगे, तो इसकी जो सर्वोत्तम विधि है वो है प्रश्नावली। हम लोग क्या करेंगे या अनुसंधानकर्ता क्या करेगा, एक प्रश्नों की सूची बनाएगा, उस प्रश्नों की सूची को डाक द्वारा संबंधित जो उत्तरदाता हैं या जो सैम्पलिंग के द्वारा निकाले गए उत्तरदाता हैं उनको भेजी जाती है और उन उत्तरदाताओं के द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं अथवा उसको भरा जाता है। इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, हाँ नहीं वाले प्रश्न, या जिनमें उत्तरदाता स्वयं अपने मन से उत्तर लिख सकता है, खुले प्रश्न, बंद प्रश्न, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली में क्या होता है, समय धन और श्रम तीनों की बचत होती है और आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रश्नावली जो है वो जो सामाजिक कोई भी समस्या है अथवा अध्ययन का विषय है उससे संबंधित प्रश्नों का एक समूह है जिसमें सूचनाएं संकलित करने के लिए वैकल्पिक प्रश्नों में कोष्टक तथा लिखित उत्तरों के लिए एक रिक्त स्थान होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उनमें कोष्टक होता है, अर्थात उसके अंदर अपना जो राइट का निशान या ये कहें कि उत्तर देने के लिए, बंद प्रश्न होते हैं जिनमें उत्तरदाता को इसकी छूट नहीं होती है कि वो अपने अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से उसके आंसर सोच के लिख सके, उसे केवल उनमें से एक विकल्प चुनना होता है। और जैसा कि आप लोग बात करें इसको, जब हम परीक्षा का प्रश्न पत्र करते हैं तब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न पत्र होता है, हमारा जो पेपर होता है, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जहाँ से शुरुआत होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप या वैकल्पिक प्रश्न आते हैं जिनमें एबसद या ABCD होता है और उन चारों में से हमें उसका उत्तर देना होता है। तो प्रश्नावली में भी सेम उसी प्रकार से वैकल्पिक प्रश्न भी होते हैं और साथ ही ऐसे प्रश्न भी होते हैं, खुले प्रश्न भी होते हैं जिनका उत्तर हमें लिखना या उत्तरदाताओं को लिखना होता है। और इस प्रश्नावली के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रश्नावली में तथ्यों का संकलन तभी संभव है जबकि जो उत्तरदाता है वो शिक्षित हो, क्योंकि यदि वह शिक्षित नहीं होगा तो वह उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। क्योंकि सबसे जो प्रश्नावली की महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता द्वारा नहीं भरा जाता है। जब हम अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर करेंगे तब हम इन दोनों का अंतर समझने का प्रयत्न करेंगे। और क्यों शिक्षित होना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि जो उत्तरदाता है, जो सैम्पलिंग के द्वारा लिए गए उत्तरदाता हैं उनके द्वारा प्रश्नावली को भरा जाता है, इसलिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। और सामाजिक अनुसंधान में जो तथ्य संकलन है, तथ्य संकलन में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्नावली की परिभाषाएं कि विभिन्न विद्वानों ने प्रश्नावली को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। बोगार्ट्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित प्रश्नों की एक सूची है। बोगार्ट्स ने सेम बात कही है कि प्रश्नावली क्या है, कि जो विभिन्न व्यक्ति हैं वो जो उत्तर देंगे उसके लिए भेजी गई एक प्रश्नों की सूची है। सिंपायोंग ने क्या कहा है, अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची है जिससे कि निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है, अर्थात डाक द्वारा जब भेजा जाता है उसे
एक ऐसी अनुसूची है जिसे डाक द्वारा भेजा जाता है और उत्तरदाताओं द्वारा उसके उत्तर लिखे जाते हैं। गुडेम हेट ने क्या कहा है कि सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का एक उपकरण होता है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। अब यदि हम इन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करें तो दो बातें सामने आती है, पहली प्रश्नों की एक सूची जिसे डाक द्वारा भेजा जाता है और दूसरी इसे उत्तरदाता द्वारा भरा जाता है और वापस भेजा जाता है। ये निष्कर्ष रूप में हम प्रश्नावली को परिभाषित कर सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्नावली की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं प्रश्नावली में होती है। पहली है यह प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। यदि किसी भी अनुसंधानकर्ता को प्राथमिक सूचना एकत्रित करनी है, प्राथमिक सूचना अर्थात जब हम ये सूचना डायरेक्ट उत्तरदाता से प्राप्त करते हैं, और अप्रत्यक्ष विधि इसलिए है क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक उत्तरदाता से नहीं मिलते हैं, अर्थात अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रत्येक उत्तरदाता से नहीं मिला जाता है जबकि डाक द्वारा उसे भेजा जाता है और उत्तरदाता द्वारा उसे भरा जाता है। दूसरा है प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। कोई भी सामाजिक समस्या हो अथवा अन्य कोई सामाजिक विषय हो अथवा जो भी अध्ययन का विषय है, अर्थात अनुसंधानकर्ता द्वारा जो भी अध्ययन का विषय है उस विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है और उसे उत्तरदाता को भेजा जाता है। तीसरा है प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है या स्थानीय स्तर पर भी वितरित किया जा सकता है। अब इसे दो तरह से भेजा जाता है। यदि हम सपोज कीजिए कि यदि जो उत्तरदाता हैं वो एक ही स्थान पर रहते हैं तो अनुसंधानकर्ता द्वारा वहाँ जाकर उनको वितरित कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें उत्तरदाताओं द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं अथवा उन्हें भरा जाता है। जो अनुसूची और प्रश्नावली में ये एक महत्वपूर्ण अंतर है कि अनुसूची के अंतर्गत उत्तरदाता उसको नहीं भरते हैं जबकि अनुसंधानकर्ता के द्वारा उसे भरा जाता है, और प्रश्नावली में जो उत्तर देते हैं वो उत्तरदाता द्वारा स्वयं अपने हाथ से भरा जाता है। अगला है सामान्य स्तर पर सूचनादाता प्रश्नावली को डाक द्वारा ही लौटाता है, कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। अब यदि हमारी सैम्पलिंग या अनुसंधानकर्ता की सैम्पलिंग ऐसी है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्तरदाता हैं तो इसका सर्वोत्तम उपाय है कि डाक द्वारा उसे भेजा जाता है और डाक द्वारा ही उसे वापस प्राप्त किया जाता है। परंतु यदि सैम्पलिंग के द्वारा उत्तरदाता एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं तो व्यक्तिगत रूप में भी उन्हें वापस एकत्रित किया जा सकता है। अगला है प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं या प्रश्न बनाए जाते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा वह सरल, स्पष्ट, छोटे तथा लिखित निश्चित अर्थ वाले होने चाहिए, अर्थात इसके अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि उत्तरदाता द्वारा आसानी से समझा जा सके। यदि उत्तरदाता शिक्षित है, केवल शिक्षित है, और यदि पूरी पढ़ाई नहीं भी की है तो भी उसके द्वारा उत्तर दिए जा सकें, मतलब उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं की है उसके पश्चात भी यदि उत्तरदाता उन प्रश्नों के उत्तर दे सके। इसलिए प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, लिखित एवं साधारण शब्दों में होने चाहिए या प्रश्नावली में होते हैं जब अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करता है। इसके अंतर्गत जो प्रश्नों की संख्या है वह आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए या नहीं होती है, केवल उतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं जितने आसानी से उत्तरदाता उनके जवाब दे सके, क्योंकि इसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि जब उत्तरदाता उन प्रश्नों के उत्तर देता है तो अनुसंधानकर्ता वहाँ उपस्थित नहीं होता है
और जब अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति में जब उत्तर दिए जाते हैं तो ऐसे प्रश्न ना हो जो कि समझ ना आ सकें, साथ ही प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक ना हो कि उत्तरदाता ऐसा अनुभव करे या उसको बोरियत महसूस हो कि हमें इसके उत्तर देने हैं अथवा नहीं देने हैं, या उसके मन में ये विचार नहीं आए कि मुझे कुछ भी भर देना है। अर्थात सही तथ्यों को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, साथ ही प्रश्नों की संख्या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है, यदि संभव हो तो प्रश्न का उत्तर हाँ नहीं में होना चाहिए। अब जब अनुसंधानकर्ता कोई भी अनुसंधान करता है तो उसे जो तथ्य एकत्रित करने हैं वो सही तथ्यों को एकत्रित करना चाहता है, परंतु यदि अधिक खुले प्रकार के प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा और नीचे रिक्त स्थान होगा, तो जो उत्तरदाता है वो अपने अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग प्रश्न को समझ के उसके उत्तर लिख देगा। तो जब निष्कर्ष निकाले जाएंगे सभी उत्तरदाताओं की प्रश्नावली को एकत्रित करके जब निष्कर्ष निकाले जाएंगे तो अत्यंत कठिनाइयों का अनुभव अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाएगा, क्योंकि विभिन्न उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। परंतु यदि प्रश्नों के उत्तर ऐसे होंगे जिसके अंतर्गत हाँ और नहीं में उत्तर होंगे तो जो निष्कर्ष हैं वो सटीक आएंगे अथवा अनुसंधानकर्ता को उन कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ेगा। अगला है, कठिन अस्पष्ट एवं विषय से हटकर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। किसी भी प्रश्नावली में अत्यधिक कठिन या दुष्कर ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिसमें जो उत्तरदाता है उसको उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव हो, साथ ही ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो कि अस्पष्ट हो, कि जो स्पष्ट रूप से जिनका अर्थ नहीं निकलता हो। तीसरा, विषय से हटकर प्रश्न नहीं होने चाहिए। जो संबंधित विषय है, जिस विषय का अनुसंधानकर्ता अध्ययन कर रहा है, उस विषय से संबंधित प्रश्नों की ही सूची होनी चाहिए, और ऐसे प्रश्नों की रचना की जानी चाहिए जिसमें अभिमति की संभावना न हो अथवा अर्थात बायसनेस नहीं हो, जिसके अंतर्गत ये स्पष्ट नहीं हो रहा हो कि अनुसंधानकर्ता एक विशेष तरफ अपना झुकाव रखता है। ये सभी विशेषताएं एक प्रश्नावली में होती है अथवा ये कहें कि होनी चाहिए। विशेष रूप से ये पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो उत्तरदाता, तब यदि प्रश्न अस्पष्ट होंगे तो अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, जो प्रश्न आता है वो ये बनता है, या छोटे प्रश्नों में या बड़े प्रश्नों में ये बनता है कि प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए, एवं यदि बड़ा प्रश्न बनता है तो अर्थ परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कहने का तात्पर्य है प्रश्नावली का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, साथ ही समझने के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली का भाग दो है उसके अंतर्गत प्रश्नावली के गुण दोष एवं अन्य विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।